नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं वो आपके साथ रश्मि। तेज प्रताप यादव सबसे बेस्ट मंत्री साबित होंगे, ये दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। अब ये दावा आखिर बीजेपी ने क्यों किया है ये भी आपको बता दे। तो कल की अगर हम बात करें तो कल जब सरकारी बैठक हो रही थी तो इस बैठक के दौरान मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ उनके बहनोई शैलेश कुमार भी मौजूद थे, जिसके बाद तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कई तरह के आरोप इस महागठबंधन की सरकार पर लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि परिवारवाद को आगे बढ़ाने के रास्ते पर आरजेडी चल पड़ी है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है और बीजेपी का कहना है कि चूंकि तेज प्रताप यादव अपने बहनोई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसे में अब तेज प्रताप यादव सबसे अच्छा काम करके दिखाएंगे क्योंकि उन्हें अपने बहनोई का साथ मिला है। यानी कि तंज कसा जा रहा है बीजेपी की तरफ से और ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव अपने बहनोई को बेवजह इस मीटिंग में लेकर शामिल हुए, जिस वजह से अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी को जो है वो एक नया मुद्दा मिल चुका है और जमकर इस महागठबंधन की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि अपने अंदाज के लिए अक्सर ही सुर्खियों में रहने वाले बिहार के नए वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव इस वक्त एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुके हैं। मामला है सरकारी बैठक में बहनोई शैलेश कुमार को साथ लेकर जाना। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद की पटना प्रधान कार्यालय में हुई बैठक में लालू यादव के बड़े दामाद और मिशा भारती के पति शैलेश कुमार जो है वो भी मौजूद दिखाई दिए और उसकी तस्वीर सामने आने के बाद जो है वो भाजपा ने जमकर तंज कसा है। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने तस्वीर शेयर करते हुए चुटकी ली है। अपने ट्विटर हैंडल पर निखिल आनंद ने लिखा है कि बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को कोई हल्के में ना ले, हमारे भाई शैलेश जी भी साथ बैठे हैं। निखिल आनंद ने लिखा है कि मेरा दावा है कि राजद के सभी मंत्रियों से शैलेश जी ज्यादा समझदार, ज्ञानी, टैलेंटेड जो है वो है। ऐसे में शैलेश भाई का आशीर्वाद रहा तो तेज प्रताप यादव सबसे बेस्ट मिनिस्टर साबित होंगे। निखिल आनंद ने अपने ट्वीट पर मीडिया से जो है बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि शैलेश कुमार जो है वो इंजीनियर है और इसका फायदा जो है वो तेज प्रताप यादव को मिलेगा क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। आरजेडी के जितने भी मंत्री हैं उनके मुकाबले शैलेश ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अगर वे लालू जी के दामाद की जगह उनके बेटे होते तो राजनीति में शीर्ष पर होते। उन्होंने कहा कि राजद राजनीतिक नहीं पारिवारिक दल है। विभाग की जो बैठक है उसमें किसी बाहरी की एंट्री कैसे हो सकती है। तेज प्रताप यादव जो है वो शैलेश कुमार के साथ इस बैठक में नजर आए। बता दें आपको कि ये ट्वीट जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद की तरफ से किया गया है। निखिल आनंद का साफ तौर से कहना है कि शैलेश कुमार जो है वो इंजीनियर है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिसका फायदा तेज प्रताप यादव को मिलेगा क्योंकि इस बार नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव अपने साथ शैलेश कुमार को लेकर ये मीटिंग कर रहे हैं। तो ये चुटकी जो है वो ली गई है बीजेपी की तरफ से और अब इस पूरे मामले पर जो बखेरा है, जो बवाल है, वो बिहार में शुरू हो चुका है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।